मैं हूँ शिवानी। अगर आप क्रिकेट प्रशंसक हैं और क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो आपका चक दे क्रिकेट में स्वागत है। हम यहाँ रोज आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी 15 ताजा तरीन खबरें लेकर आते हैं। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं क्रिकेट इतिहास में आज का किस्सा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 24 साल के अपने टेस्ट करियर के दौरान कीर्तिमानों की झड़ी लगा दी, लेकिन 29 साल पहले वह आज के ही दिन 12 फरवरी 1990 को महज 12 रनों से एक दिलचस्प वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से चूक गए थे। सबसे कम 16 साल 205 दिनों की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सचिन अपने छठे टेस्ट में शतक बना लेते तो वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले क्रिकेटर बन जाते। इसके बाद सचिन को पहला टेस्ट शतक जमाने के लिए और 6 महीने का इंतजार करना पड़ा, जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में अगस्त 1990 में 119 रनों की नाबाद पारी खेली। मौजूदा रिकॉर्ड की बात करें तो वह तीसरे सबसे कम उम्र में शतक जमाने वाले टेस्ट क्रिकेटर हैं। सहवाग ने कहा, पंजाब किंग्स की तरह राहुल को भी है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की आदत। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि केएल राहुल के पास वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में बड़ा स्कोर खड़ा करने का बेहतरीन मौका था, लेकिन सूर्य कुमार यादव और उनके बीच गलतफहमी की वजह से वो रन आउट हो गए। सहवाग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने शुरुआती झटकों के बाद एक महत्वपूर्ण साझेदारी की। राहुल अच्छा खेल रहे थे और रन आउट नहीं होते तो वह 50 ही नहीं सेंचुरी बना सकते थे। आसानी से 2 रन होने चाहिए थे, लेकिन वह बीच में ही रुक गए और आउट हो गए। उन्हें रनिंग बिटवीन द विकेट्स पर काम करना चाहिए। पंजाब किंग्स की आदत है पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली, वह शायद राहुल में भी आ गई है। पंजाब में रहते हुए जो उन्होंने गलतियां की है अब वह ना करें। विराट के बचाव में उतरे सुनील गावस्कर। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में विराट का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है। विराट इन मुकाबलों में बड़े ही सस्ते रन पर आउट होते हुए देखे गए, जिसके बाद उनका फॉर्म सवालों के घेरे में है। लेकिन भारतीय टीम पूर्व सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर उनके समर्थन में उतरे हैं। गावस्कर ने कहा, पिछले कई मैचों में उनकी किस्मत अच्छी नहीं रही है, पर यह मत भूलिए कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अर्धशतक जमाया था। उन्होंने कहा कि कोहली को रन बनाने के लिए थोड़ी किस्मत की जरूरत है। हर बल्लेबाज को एक ऐसी स्थिति की जरूरत होती है जहां वह खेलता है और गेंद बल्ले का किनारा लेने से चूक जाती है। गेंद बल्ले का किनारा ले और कैच छूट जाए या फील्डर से आगे गिर जाए। आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले ही पंजाब किंग्स के बैटिंग कोच ने दिया इस्तीफा। आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन की तैयारियां संपन्न होने के साथ साथ खिलाड़ियों और फैंस का इंतजार भी खत्म हो चुका है। मेगा ऑक्शन को लेकर सभी फ्रेंचाइजी और खिलाड़ी उत्सुक हैं। इसी बीच फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के बैटिंग कोच वासिम जाफर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने काफी मजाकिया अंदाज में ट्वीट कर कहा कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना और आईपीएल 2022 के लिए पंजाब किंग्स और हेड कोच अनिल कुंबले को ढेर सारी शुभकामनाएं। विकेट कीपर ऋषभ पंत ने जीता टेस्ट बैटिंग अवार्ड। भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पिछले साल ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई निवासी रन की सीरीज विजेता पारी की बदौलत 15वें सालाना ESPN क्रिक इन्फो पुरस्कारों में शीर्ष टेस्ट बैटिंग पुरस्कार हासिल करने में सफल हैं, जबकि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को कैप्टन ऑफ ईयर चुना गया है। यश धूल का सपना 18 महीने में सीनियर टीम में जगह बनाना। अपनी कप्तानी से भारतीय टीम को अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जिताने वाले यश धूल का सपना है कि वो आने वाले अगले 18 महीने में सीनियर टीम में जगह बना ले, और इसके लिए यश धूल ने दिल्ली से रणजी ट्रॉफी के लिए खेलने के लिए टीम में जगह भी बना ली है। यश धूल ने प्रेस से बातचीत के दौरान कहा कि मैं पिछले कुछ दिनों से मुश्किल से अपनी नींद पूरी कर पाया हूं। इसमें हालांकि ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मैं शिकायत कर सकता हूं। मैंने अब तक जो किया है वह बीत गया, अब मुझे इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि निकट भविष्य में क्या है। 18 महीने में सीनियर टीम में जगह बनाना मेरा लक्ष्य है। अगर मैं 18 महीने की समय सीमा में ऐसा करने में सक्षम नहीं हूं तो भी मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक कड़ी मेहनत करता रहूंगा। सहवाग का मानना, हर टीम ईशान किशन को अपने साथ चाहेगी शामिल करना।
आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 का इंतजार सभी खिलाड़ियों और फैंस को बेसब्री से थी, हालांकि अब ये इंतजार खत्म हो गया है। दो दिवसीय मेगा ऑक्शन आज और कल यानी 12 और 13 फरवरी को है। मेगा ऑक्शन से पहले कई दिग्गज अपनी अपनी बातें इस पर रख रहे हैं कि आखिर कौन से खिलाड़ी की अधिकतम बोली कितनी लग सकती है। इसी बीच भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ईशान किशन को लेकर बड़ा बयान देते हैं। हरभजन कहते हैं कि ईशान किशन जिस टीम में भी जाएंगे वहां एक लीडरशिप का विकल्प भी प्रदान करेंगे। उन्होंने झारखंड की कप्तानी की है और आरसीबी उन पर लंबी वेटिंग कर सकती है, लेकिन उनके लिए यह मुश्किल होगा क्योंकि हर टीम किशन को अपने साथ शामिल करना चाहेगी। इस ऑक्शन में ईशान किशन के अलावा श्रेयस अय्यर को इस लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी होने की भविष्यवाणी की जा रही है। पूर्व दिग्गज स्पिनर का मानना है अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो ईशान किशन को दो मौका। भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला वनडे सीरीज खत्म किया है। साथ ही टीम इंडिया ने अपने प्रदर्शन और रोहित की कप्तानी में इस सीरीज पर कब्जा भी किया। इसी बीच भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले विश्व कप के जरिए ईशान किशन को तैयार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि टीम प्रबंधन को विश्व कप से पहले किशन को आत्मविश्वास हासिल करने के लिए और मौके देने चाहिए। आपको बता दें कि आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस में रोहित की कप्तानी में ईशान किशन लंबे समय से खेलते आए हैं और ऐसा माना जाता है कि ईशान किशन रोहित के चहेते भी हैं। भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर ने कहा रिद्धिमान साहा हुए राजनीति के शिकार। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने के बाद भारतीय टीम के विकेटकीपर रिद्धिमान साहा का टेस्ट मैच के लिए करियर अब लगभग खत्म हो चुका है क्योंकि टीम में विकेटकीपर का जगह ऋषभ पंत ने ले ली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साहा अब टीम इंडिया की योजना से बाहर हो चुके हैं। इस पर भारत के पूर्व विकेटकीपर सैयद किरमाने ने कहा कि साहा राजनीति के शिकार हुए हैं, वे एक खास ग्रुप के सदस्य नहीं हैं, इसलिए टीम से बाहर हैं। सचिन के दोस्त ने कहा भारतीय टीम में जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। भारतीय टीम में कप्तानी को लेकर जो विवाद हो रहे हैं वो जग जाहिर है और भारतीय टीम इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है। विराट को वनडे की कप्तानी से हटाकर रोहित को यह जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विराट द्वारा टेस्ट कप्तानी भी छोड़ दी गई है, जिसके बाद टेस्ट टीम को भी अगले सप्ताह नया कप्तान मिल सकता है। लेकिन इससे पहले ऐसा देखा जा रहा है कि तनाव की स्थिति बन सकती है। 90 के दशक के स्टार क्रिकेटर विनोद कांबली ने भारतीय टीम को लेकर कू पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि अहंकार का यह टकराव भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छा नहीं है। विराट और रोहित दोनों ही भारतीय टीम के लिए काफी अहम है और जो कुछ हो रहा है वह अच्छा नहीं है। सचिन तेंदुलकर के दोस्त विनोद कांबली ने अपने इस पोस्ट के साथ विराट कोहली, रोहित शर्मा और इंडियन टीम को टैग किया है। बीसीसीआई ने 3 गेंदबाजों की गेंदबाजी पर लगाया बैन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने उन 13 खिलाड़ियों की सूची जारी की है जिनका गेंदबाजी एक्शन या तो जांच के दायरे में है या जिन पर आईपीएल के 15वें सीजन में गेंदबाजी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बीसीसीआई इन 13 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें मनीष पांडे, KL श्रीजीत और ईशांक जग्गी के गेंदबाजी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाकी बचे 10 खिलाड़ी संदिग्ध पाए गए हैं जिन्हें बीसीसीआई ने जांच के लिए दोबारा बुलाया है। आईपीएल टीम के अधिकारियों ने की मेगा ऑक्शन को खत्म करने की मांग। आईपीएल 2022 में खिलाड़ियों का मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को होने वाला है। इस बार नीलामी में 10 टीमें भाग लेंगी। ऑक्शन से पहले जब टीमों ने बीसीसीआई को रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपी तो एक बड़ा सवाल सामने आया है। कई फ्रेंचाइजी की तरफ से आईपीएल की मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ बगावत के सुर सुनाई देने लगे थे। टीमों ने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट तो सौंप दी, पर उनका मानना था कि अब खिलाड़ियों का मेगा ऑक्शन नहीं होना चाहिए, अब इसे खत्म करने का विचार करना चाहिए। केकेआर के मुख्य अधिकारी वेंकी मैसूर और दिल्ली कैपिटल्स के पार्थ जिंदल का मानना है कि आईपीएल का मेगा ऑक्शन अब उतनी उपयोगी नहीं रहा है। दोनों अधिकारियों का कहना है कि ऐसा कोई नियम आए जिससे आने वाले नए खिलाड़ियों के लिए ड्राफ्ट तय किया जा सके या फिर आपसी सहमति से उन्हें टीम में लिया जा सके। कार्लोस ब्रैथवेट अपनी बेटी का नाम भारत के एक स्टेडियम के नाम पर रखा। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर कार्लोस ब्रैथवेट के घर में नन्ही पड़ी आई है। ब्रैथवेट की पत्नी जेसिका फेलिक्स ने एक बच्ची को जन्म दिया है। खास बात यह है कि ब्रैथवेट ने बेटी का नाम ईडन रोज रखा है। ये नाम भारत से जुड़ा हुआ है। ब्रैथवेट ने इंग्लैंड के खिलाफ 2016 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में आखिरी ओवर में लगातार 4 छक्के जड़कर अपनी टीम को विश्व कप विजेता बनाया था। वह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हुआ था। ब्रैथवेट ने इसी वजह से अपनी बेटी का नाम ईडन रखा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज को बनाया गया बांग्लादेश का बैटिंग कोच।
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जेमी सिडन्स को बांग्लादेश पुरुष क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच बनाया गया है। इससे पहले उन्हें राष्ट्रीय सेटअप में बल्लेबाजी सलाहकार नियुक्त किया गया। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड बीसीबी के अध्यक्ष नजमुल हसन ने बांग्लादेश के दैनिक समाचार पत्र प्रोथोम के एक बयान में कहा कि जेमी सिडन्स बांग्लादेश के अगले बल्लेबाजी कोच होंगे। हमने सीनियर क्रिकेटरों और बोर्ड निर्देशकों से सुना है कि वह एक अच्छे कोच हैं, इसलिए हम उन्हें यहाँ लाए हैं। वेस्टइंडीज कप्तान पोलार्ड हुए गुमशुदा, जानकारी मिलने पर यहां करें रिपोर्ट। वेस्टइंडीज के कप्तान किरण पोलार्ड टीम इंडिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में पहले ही गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। चोटिल होने के कारण वह दूसरे और तीसरे वनडे मैच में नहीं खेले। इस बीच पूर्व क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने अपने दोस्त और विंडीज टीम के कप्तान को लेकर इंस्टाग्राम पर एक मजाकिया पोस्ट किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले ड्वेन ब्रावो ने पोलार्ड की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्हें गुमशुदा बताया है। साथ ही लिखा है कि आखिरी बार वेस्टइंडीज के कप्तान को चहल के पॉकेट में देखा गया था। उन्होंने यह भी लिखा कि यह वास्तव में एक दुखद दिन है, किरण पोलार्ड मेरे सबसे अच्छे दोस्त गायब हैं। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो कृपया मुझे इनबॉक्स करें या पुलिस को रिपोर्ट करें। आज के लिए बस इतना ही, इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आज होने वाले IPL मेगा ऑक्शन में किस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा बोली लग सकती है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, क्रिकेट से जुड़ी खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।